और अगली खबर ग्वालियर से है, जहां मंडी वार्ड में तैनात एक एएसआई ने अपनी पत्नी को घर से बाहर इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो अपने मायके से 10 लाख रुपए लेकर नहीं आई। दहेज का दंश समाज में इस तरह फैला हुआ है कि जिस पुलिस अफसर पर दहेज प्रथा को खत्म करने की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी होती है, उसी पुलिस अफसर ने दहेज के लिए अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। मामला ग्वालियर के नाका चंद्रबन्नी इलाके का है, जहां की रहने वाली नवविवाहिता प्रीति बाथम को उसके एएसआई पति ने इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि उसके पिता ने दहेज की पूरी रकम नहीं दी। प्रीति और वीरेंद्र बाथम की शादी 1 साल पहले हुई थी। वीरेंद्र पर आरोप है कि वो पुलिस का रौब दिखाकर दूसरी शादी करने की धमकी देता है। परेशान प्रीति ने घर वालों की मदद से आपस में सुलह करने की भी कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र नहीं माना और थक हार कर आखिरकार प्रीति ने पुलिस में शिकायत कर दी। मेरे हस्बैंड है जो एएसआई है, मंडी डिपार्टमेंट में है, तो लोग मुझे 13 महीने मेरी शादी को हो गए और स्टार्टिंग से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मेरी शादी पे सामान भी रखा हुआ छोड़ गए थे, मेरे पापा ने उनके जितना मांगा उतना नहीं दे पाए थे, तो मेरी शादी वाले दिन सारा सामान छोड़ के चले गए थे। उस दिन से लड़ाइयाँ शुरू हुई दहेज के लिए और अभी तक चल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते। वो यही बोलते कि मैं एएसआई हूँ तो मेरे को तो ये मिलेगा, मेरी तो दूसरी शादी भी हो जाएगी, उसी चीज़ का रौब झाड़ते हैं, उसी के लिए मुझे परेशान कर रहे हैं। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए केस को महिला पुलिस थाने में रेफर कर दिया है। ये प्रकरण आया है जानकारी में और इसमें हमने महिला थाने में इसको परिवार परामर्श के लिए भेजा है और इसमें आवश्यक कारण एंश्योर कराएंगे। पीड़िता आपस में सुलह करना चाहती है और अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। पुलिस भी पति और पत्नी के बीच सुलह कराने की कोशिश में लगी है, लेकिन एएसआई वीरेंद्र को चाहिए तो सिर्फ दहेज। ताज्जुब है कि 21वीं सदी में पढ़े लिखे लोग भी दहेज जैसी बुराई का दामन थामे बैठे हैं। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।